अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बर्ड स्टाइल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अप्रैल स्टार्ट हो गया है और टेम्परेचर जो है वो 32 और 34 डिग्री को टच कर चुका है और कुछ एरियाज़ में 35 डिग्री भी चला गया है। तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा। तो अब जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स हमने अब ऐसे इंट्रोड्यूस करने हैं अपने सेटअप्स में, या अगर हैं ऑलरेडी तो उन पर अब फोकस हमने ऐसे बर्ड्स पर करना है जो प्योरली गर्मियों के लिहाज से सूटेबल हैं। तो उसमें मैंने वीडियोस बनाई थी जो गर्मियों के बर्ड्स हैं, जिसमें फिंच और डव है। तो इसका मैंने आपको थोड़ी सी फिजिबिलिटी बना के दी थी कि अगर आप इनिशियल सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो आज सब्सक्राइबर्स और दोस्तों की एक क्वेश्चन आ रहा है, डिमांड आ रही है कि जी हमें फिंच और डव में से बताया जाए कि दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो हम किस एक बर्ड पे फोकस करना हो अगर, तो किसको जो है ज़्यादा हम वेटेज दे सकते हैं या किसके ज़्यादा नंबर्स हैं डव और फिंच में से। जी दोस्तों, आज की वीडियो में फिर हम ये इसी टॉपिक पे या इसी बात को लेके आगे चलते हैं कि डव और फिंचेस की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं और इनके जो सेटअप्स हैं या केजेस हैं उनमें हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कॉस्ट से लेके ब्रीडिंग रेशो और इनकी जो ब्रीडिंग हिस्ट्री है उसको भी टच करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों जो टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं इनकी कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट को मैं इसलिए सबसे पहले पॉइंट रखता हूँ, सबसे पहला नंबर जो है हम कीमत को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि जो तो ऑलरेडी सेटल्ड फैंसियर्स हैं जिनका सेटअप चल पड़ा है और जो ऑलरेडी सेटल हैं इस फील्ड में, उनको उनके लिए तो ये वीडियोज़ कोई ऐसा ख़ास उनकी नज़र में ये अहमियत नहीं रखती। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो नए नए इस फील्ड में आ रहे होते हैं और इस साइड पे नया उनका रुझान होता है, तो उनके लिए ये वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं वो कोई भी नहीं बताता। और अक्सर जो पुराने फैंसियर्स होते हैं, जो शॉप वाले होते हैं, उनका एक्सपीरियंस एक लेवल को पहुंच चुका होता है, तो उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं या जो स्टार्टअप चीज़ें हैं वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती। या जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं कि जो टीचर ज़्यादा क्वालिफाइड होता है वो अपना एक उसका लेवल होता है और वो उसी लेवल पे आपको चीज़ें समझाता है, तो जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी समझ से वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कॉस्ट डिस्कस करता हूँ पहले नंबर पे, और कॉस्ट में भी जो बेसिक मोटेशन हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल होती हैं, जिस पे आप रिसर्च करते हैं और जिस पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या जिसको ले के आप आगे मज़ीद जो है उस पे सीखते हैं, तो उन्हीं बर्ड्स को मैं डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियोस में ताकि एक कॉमन जो शौक रखने वाला बंदा है उसकी भी समझ में आ जाए और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है उसको भी इसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी दोस्तों, डव जो है, डव की जो बेसिक मोटेशन है, जो कॉमन मोटेशन है, यानी कि जो लो कॉस्ट मोटेशन है, उसमें डायमंड डव आ जाती है जो ग्रे कलर में है। उसकी कॉस्ट को अगर देखें तो जो नॉर्मल पेयर है सर्दियों के सीज़न में वो हमें 1200 से 1500 की रेंज में मिल जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का स्टार्ट हो जाता है तो डव की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो वो जो डव का पेयर है, जो ब्रीडिंग जिसका मेल फीमेल कंफर्म हो चुका होता है और ब्रीडिंग कर देनी है उसने अप्रैल और मई में, वो पेयर हमें तकरीबन 2000 से लेके 2700 तक की रेंज में मिल जाता है। ये गैप मैंने इसलिए रखा है कि कुछ शहरों में जो है 2000-2200 रुपये का पेयर मिल रहा है और कुछ जो कमर्शियल शहर हैं उनमें 2500 और 2600 भी डिमांड की जाती है डायमंड डव की। और इसी तरह दोस्तों, जो फिंच है, जिसमें ज़ेब्रा फिंच है या वाइट फिंच है, जो कॉमन मोटेशन है फिंच की, जो हर जगह आपको मिल जाती है, इसका पेयर जो सर्दियों में होता है वो आपको 900 से लेके 1200 की रेंज में मिल जाता है, लेकिन जैसे ही इसका सीज़न स्टार्ट होता है यानी कि गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो यही पेयर जो है ज़ेब्रा फिंच का वो आपको 1400 से 1600 और 1700 की रेंज में मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखें तो डव की और फिंच की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा डव को इसलिए कॉस्टली समझा जाता है कि उसका साइज़ बड़ा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कॉमन भी है और उसकी जो केयर है यानी कि बड़ा होने की वजह से उसका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग है फिंच की बनस्बत, तो इसलिए उसका जो है 400 से 500 रुपया आपकी कीमत ज़्यादा है। जी दोस्तों, इसके बाद हम इनका जो केज साइज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फिंच आपको पता है बिल्कुल छोटा सा और एक बर्ड है, उसके लिए आप वन बाई वन का केज अगर एक पेयर को रखते हैं तो उसके लिए बेहतरीन केज साइज़ है 1/1। लेकिन डव जो है, डव के लिए हम 1/1 में भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सूटेबल इन्वायरमेंट अगर आप देखते हैं तो डव को आप 1.5/1.5 के पोर्शन में रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी जो है वो प्रोडक्शन देगा आपको और अपने केज में खुश रहेगा।
जी दोस्तों, इसके बाद केज साइज़ हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम इन दोनों जो बर्ड्स हैं इनकी कॉलोनी के जो सेटअप्स हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो डव है, इसकी कॉलोनी भी बेहतरीन रहती है, अच्छी प्रोडक्शन करता है, कोई इसमें आपको जो है ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। और जो फिंच है, इसकी कॉलोनी भी ज़्यादा सक्सेसफुल है बनिस्बतन डव के। और फिंच की कॉलोनी यानी कि जितने साइज़ में आप अगर 10x10 का केज बना रहे हैं या 15x15 का केज बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, तो उसमें आप फिंच के ओबीवियसली यानी क्लियर कट बात है कि वो छोटा बर्ड है, तो उसमें आप उसके ज़्यादा पेयर्स लगा सकते हैं 10x10 की कॉलोनी में। जबकि डव की जो है फ्लाइंग ज़्यादा है, तो इसलिए हम आधे पेयर यानी कि अगर हम 10x10 के केज में या कॉलोनी में फिंच के 20 पेयर लगाते हैं, तो वहाँ आपके जो डव के पेयर हैं वो 8 से 10 पेयर लगेंगे। जी दोस्तों, इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि अक्सर जो हैं बर्ड्स, एक तो आपका किस्मत होती है और थोड़ा सा इन्वायरमेंट होता है, वही बर्ड जो है अच्छे इन्वायरमेंट में जाके अच्छी डाइट ले के और अच्छे के साइज़ में भी प्रोडक्शन नहीं करता, और वही बर्ड जो है एक छोटे से सेटअप में टूटे फूटे पिंजरे में और या टूटी फूटी कॉलोनी में और रश वाली जगह पे भी वो बेहतरीन ब्रीड कर देता है। तो कुछ चीज़ें आपकी नसीब के साथ होती हैं और कुछ आपने ख़ुद उनको मैनेज करके उनको अच्छा करना होता है। जी दोस्तों, अब इनके सेटअप में जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे, उसमें आ जाता है इनका प्रोडक्शन रेशो, यानी कि एक जो फिंच का पेयर है वो कितनी प्रोडक्शन देता है एक क्लच में। तो दोस्तों, जो फिंच है, जो नॉर्मल एवरेज रेशो समझी जाती है, वो 4 से 5 चिक्स आपका जो फिंच का पेयर है वो ईज़िली आपको दे देता है बगैर किसी तरद्दुद के। जबकि जो डव है, डव के साथ आपका एक नेचुरली समझ लें कि इसकी बस कैपेबिलिटी है 2 चिक्स ये देगा आपको एक क्लच में, और दोनों का जो हैचिंग पीरियड है वो तकरीबन सेम है, यानी कि डव का जो पेयर एक एग देता है तो वो उसमें से 12 दिन के बाद जो है चिक्स निकल आते हैं, चिक निकल आता है। और इसी तरह जो फिंच है, फिंच का भी एक पेयर जो है एक एग में से 12 से 14 दिन के बाद वो हैच हो जाता है और उसमें से चिक्स निकल आते हैं उसके एक क्लच के। और यही जो चिक्स हैं, दोनों म्यूटेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, डव की भी और फिंच की भी, ये जब चिक्स जो हैं 20 दिन के हो जाते हैं, तो ये अपना नेस्ट जो है या अपना जो इनका पॉट है, नेस्टिंग पॉट है जिसको हम मटकी बोलते हैं, उसको ये लीव कर देते हैं और दोबारा ये इनके सेल्फ होना शुरू हो जाते हैं, खुद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद इनकी डाइट को अगर हम डिस्कस करते हैं, इनका जो दाना है उसमें दोनों का सेम दाना है, इसमें कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। दोनों को आप बारीक बाजरा, उसमें थोड़ी सी मकदार जो है कंगनी की, लाल कंगनी अगर ऐड कर देते हैं, तो दोनों जो बर्ड्स हैं वो बड़े शौक से और बड़ी आसानी से और आराम से उस पर जो है प्रोडक्शन आपको दे देते हैं। दोनों के लिए सॉफ्ट फूड का कोई ऐसा मटेरियल नहीं है या कोई ऐसी फूड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने सॉफ्ट फूड देनी है, उसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो दोनों पेयर जो हैं वो बगैर सॉफ्ट फूड के भी आपको साल साल जो है वो ब्रीड दे सकते हैं और बड़ी अच्छी ब्रीड दे सकते हैं। जी दोस्तों, अब इनके सेटअप की तैयारी में जब हम देखते हैं, तो जो फिंच है, फिंच बगैर नेस्टिंग मटेरियल के यानी कि बगैर घास फूस के और नेस्ट बनाए बगैर जो है आपको ब्रीड नहीं देगी। इसके लिए हमें नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है फिंचेस को, जिसमें आपको बने बनाए नेस्टिंग मटेरियल पैकेट्स भी मिल जाते हैं, घास फूस के आप ख़ुद भी बना सकते हैं। और नेस्टिंग मटेरियल पे बहुत से दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपने चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप नेस्टिंग मटेरियल का अल्टरनेट क्या ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फिंचेस जो हैं वो बगैर नेस्टिंग के आपको प्रोडक्शन नहीं देती। और उसके लिए बेहतरीन यही समझा जाता है कि आप मटकियाँ लगाएं, मटकियों के साथ आप उनको नेस्टिंग दें, वो खुद ही उसमें नेस्ट जमा करके और उसमें एग्स हैच कर देती हैं। जबकि जो डव है, डव के लिए आपको मटकी की या बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए आपको एक जस्ट 4x4 इंच का जो है आपको कोई ना कोई प्लेट या कोई आपको छन्नी या इस तरह की कोई आपको चीज़ देनी पड़ती है, जो आप किसी भी कोने में एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जस्ट 4 या 5 दिन के जो हैं घास के रख के जो डव है वो आपको एग्स ले करके दे देती है, उसमें से चिक्स भी आपको हैच कर देती है। तो दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन मैंने आपके सामने कर दिया है। अब आप अपने शहर और अपनी मार्केट में देख सकते हैं कि दोनों बर्ड्स में से किसका ज़्यादा ट्रेंड है, कौन सा ज़्यादा सेल होता है। दोनों में तकरीबन सेम खर्चा है, सेम कॉस्ट है, सेम डाइट है इनकी। और अगर हम देखें तो कॉलोनी और जो केज साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है कि डव का जो एक पेयर है वो जो पट्ठों का पेयर है वो आपको तकरीबन 1000 से 1200 का सेल हो जाता है। जबकि जो फिंच है, उनका अगर पट्ठों का एक पेयर है जिन्होंने अभी जो अपनी बीक है वो ऑरेंज करना स्टार्ट की है, वो भी आपका तकरीबन 800 से 900 का पेयर सेल हो जाता है।
जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ एक नया टॉपिक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।